स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट ईवीएस की वर्कशीट वीक 10 क्लास 3 की हम यह बात कर रहे हैं। बच्चों आज का टॉपिक है चैप्टर 10 व्हाट इज़ कुकिंग। बच्चों खाना बनाना क्या होता है, खाना क्या होता है। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए और रेड बटन दबा करके सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, टिक मार्क द करेक्ट आंसर। बच्चों करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है। ओवर कुकिंग शुड बी अवॉइडेड एज इट मेक द फूड लूज टेस्ट। देखिए बच्चों, जो खाना है उसको ज़्यादा पकाने से क्या होता है कि उसका खाने का टेस्ट ख़राब हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेप ऑफ द चपाती मेकिंग प्रोसेस। बच्चों चपाती मेकिंग प्रोसेस के अंदर कौन सा स्टेप नहीं होता। मेकिंग डॉग, रोलिंग आउट द बॉल्स, कुकिंग ऑन फायर एंड बॉइलिंग। बच्चों कभी चपाती को आपने बॉयल किया है, नहीं किया, तो ये हमारा यहाँ आंसर होगा। डैश इज ईटन रॉ। बच्चों किस चीज़ को हमें जो है रॉ खाया जाता है कच्चा, तो बच्चों सैलेड को हम कच्चा खाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज़ यूज फॉर कुकिंग गैस। बच्चों गैस के लिए हम कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, सॉरी कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए। तो बच्चों खाना बनाने के लिए हम गैस का यूज़ करते हैं। नेम एनी फोर यूटेंसिल्स। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम एनी फोर यूटेंसिल्स यूज इन द किचन फॉर कुकिंग फूड। बच्चों देखिए, आप सभी को बताना है कि आपके घर में जब खाना बनाते हैं तो आप कौन कौन से बर्तन काम में लेते हैं। देखिए बच्चों, कौन कौन से यूज़ करेंगे हम। बच्चों नाइफ़ को हम यूज़ करते हैं, ये भी हमारा एक बर्तन में ही आता है। बाउल्स हम यूज़ करते हैं, कटिंग बोर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पून्स हम यूज़ करते हैं, कप्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको कोई भी 5 यहाँ यूटेंसिल्स के नेम लिखने हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई शुड वी कुक फूड। हमें बच्चों खाना क्यों बनाना चाहिए, ताकि बच्चों जो उसके अंदर जर्म्स होते हैं वो खाना पकाने से क्या होता है, मर जाते हैं, एंड अलाउ देम टू बी जर्म लेस, ठीक है। और जो बच्चों कुक्ड फूड होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। वी शुड कुक फूड बिकॉज कुकिंग डिस्ट्रॉयज हार्मफुल जर्म्स इन द फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेम द कुकिंग फ्यूल विच इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो देखिए बच्चों, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कुकिंग फ्यूल है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। देखिए बच्चों, जो हमारी गैस होती है, ठीक है, गैस को हम नेचुरल जो गैस होती है उसे हमें नेचुरल गैस को इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ डिलीशियस स्नैक विद मूंग दाल इज़ टू डैश द सीड। देखिए बच्चों, जो डिलीशियस स्नैक बनाते हैं हम कोई भी, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि मूंग की दाल को भिगोना है, ठीक है, इज़ टू सोक द सीड। द चपाती इज कुक्ड इन 4 स्टेजेस एंड द फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग आउट। तो देखिए बच्चों, जो चपाती है उसे हम 4 स्टेप में बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आटे को बर्तन में निकालना। अनियन इज़ अ वेजिटेबल विच कैन बी ईटन बोथ इन रॉ एंड कुक्ड फॉर्म। देखिए बच्चों, अनियन एक ऐसी वेजिटेबल है जिसे हम कच्ची और पक्की दोनों फॉर्म में खा सकते हैं। पूरीज आर मेड बाय डैश देम इन अ कढ़ाई। तो बच्चों पूरी को हम किस तरह से खाते हैं, कढ़ाई में फ्राई करके, फ्राइंग देम इन अ कढ़ाई। द डैश यूज फॉर कुकिंग आर मेड ऑफ मेटल। द यूटेंसिल्स जो बच्चों बर्तन हम खाने के लिए बनाते हैं, यूज़ में लेते हैं, वो मेटल के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम ए एंड कॉलम बी। बेकिंग, बेकिंग क्या होता है बच्चों, कुकिंग इन एन ओवन, ओवन में कुकिंग को हम बेकिंग बोलते हैं। बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या होता है बच्चों, कुकिंग इन स्टीम, भाप में करना, ठीक है। फ्राइंग, फ्राइंग कुकिंग इन हॉट ऑयल। रोस्टिंग मीन्स कुकिंग बाई हीटिंग विद एडेड वाटर। रोस्टिंग होगा बच्चों कुकिंग इन स्टीम, सॉरी डायरेक्टली ऑन फायर, डायरेक्टली ऑन फायर
एंड स्टीम मीन्स कुकिंग इन स्टीम, भाप में बनाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, सम मेथड ऑफ कुकिंग आर गिवन, राइट द फूड आइटम इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। बच्चों देखिए आप सभी को बताने हैं कि ये मेथड है कुकिंग के, लाइक फ्राइंग, बॉइलिंग, बेकिंग, रोस्टिंग एंड स्टीमिंग। तो आपको बताना है कि जो हमारे ये चपाती, इडली, पकोड़ा, इन्हें हमें क्या करते हैं, ठीक है। फ्राई क्या क्या करते हैं, पकोड़ा हम फ्राई करते हैं, समोसा भी हम फ्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों बॉइलिंग, बॉइल क्या क्या करते हैं बच्चों हम, तो देखिए बच्चों फ्राई, पकोड़ा, समोसा, जलेबी, बॉयल, टमाटो सूप, रोस्टिंग, ब्रेड, पापड़, चपाती, ठीक है बच्चों। इन्हें रोस्ट करते हैं, यानी कि रोस्ट मैंने आपको यहाँ बताया, रोस्टिंग मीन्स क्या होती है, कुकिंग डायरेक्टली ऑन फायर। तो बच्चों ब्रेड और पापड़ को इन्हें हम डायरेक्टली गैस पे, फायर पे सेकते हैं, स्टीमिंग इडली एंड ढोकला। एक्टिविटी 6 देखिए बच्चों, 4 स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग नींबू पानी आर गिवन बिलो, अरेंज द स्टेप इन अ सीक्वेंस एंड राइट द प्रॉपर नंबर बिलो द स्टेप। नाउ प्रिपेयर नींबू पानी फॉर योर फैमिली बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। तो देखिए बच्चों आपको नींबू पानी के कुछ स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं, आप सभी को नींबू पानी कैसे बनता है आपको बताना है, ठीक है। पहले सबसे पहले हम पानी लेंगे, टेक सम वाटर, ओके, एड लेमन जूस, एड शुगर एंड मिक्स थोरोली। तो बच्चों इस तरह से नींबू पानी बनता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से देखिए आप सभी को अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है। आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, साथ ही साथ नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।